press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरकारी जॉब बाय राकेश पर। दोस्तों, मेरा नाम आर के यादव और आप देख रहे हैं सरकारी जॉब बाय राकेश YouTube चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ विकलांग प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में विकलांग नहीं होना चाहता, लेकिन कुछ बच्चे जन्म से विकलांग होते हैं तो कुछ व्यक्ति किसी घटना से विकलांग हो जाते हैं। लेकिन जब विकलांग व्यक्ति के घर में उसके अलावा कोई और कमाने वाला ना हो तो उस परिवार को, उस व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अगर इस दौरान विकलांग व्यक्ति को या उसके परिवार को कुछ आर्थिक सहायता मिल जाए तो वह अपना जीवन अच्छे से यापन कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि विकलांग प्रमाण पत्र कैसे बनाएं, क्योंकि दोस्तों सरकार जो भी विकलांग व्यक्ति को आर्थिक सहायता प्रदान करती है तो उन सभी के लिए वो विकलांग प्रमाण पत्र मांगती है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा कि विकलांग प्रमाण पत्र कैसे बनाएं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। साथ के साथ अगर आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आप देख सकें हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर एक वीडियो का अपडेट सबसे पहले। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि ये विकलांग प्रमाण पत्र होता क्या है। दोस्तों, विकलांग प्रमाण पत्र उन लोगों के लिए है जो शरीर के किसी अंग से विकलांग है। उसकी सहायता से इन व्यक्तियों को सरकार लगातार आर्थिक सहायता देती रहती है। यह प्रमाण पत्र बिल्कुल फ्री है जो कि सभी राज्य की सरकार बनाती है ताकि प्रदेश के जितने भी विकलांग व्यक्ति हैं उनको जीवन यापन में आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके और वो लोग आत्मनिर्भर बन सकते हैं। दोस्तों, विकलांग प्रमाण पत्र यदि आपके पास है तो आर्थिक सहायता के साथ साथ आपको आरक्षण करने की भी व्यवस्था की गई है। इन सभी योजनाओं का लाभ पाने के लिए और नौकरी में आरक्षण पाने के लिए आपके पास विकलांग प्रमाण पत्र होना बेहद आवश्यक है। दोस्तों, विकलांग सर्टिफिकेट एक ऐसा दस्तावेज है जिससे बहुत सारी योजनाओं में आप लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, आगे है विकलांग प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो आपको क्या क्या फायदे हैं। विकलांग प्रमाण पत्र के लाभ, सरकार द्वारा विकलांगों को विकलांग प्रमाण पत्र जारी किए जाने वाले विकलांग प्रमाण पत्र में उनको लगातार सरकारी योजना का लाभ दिया जाता है जो इस प्रकार से। नंबर एक, अक्षमता के शिकार बच्चों के लिए मुफ्त में सरकार के द्वारा शिक्षा दी जाती है। नंबर दो, सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जाता है। नंबर तीन, शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण दिया जाता है। नंबर चार, जमीन आवंटन में प्राथमिकता दी जाती है। नंबर पाँच, सामाजिक सुरक्षा की स्कीमें स्कीमें जो आती हैं उनमें लाभ दिया जाता है। नंबर छः, नौकरी में भी आरक्षण दिया जाता है। नंबर सात, रोडवेज बस रेल में किराए में भी छूट दी जाती है। नंबर आठ, विकलांग पेंशन जो लागू है सभी प्रदेशों में चालू है ये दी जाती है। नंबर नौ, अन्य जो भी सरकारी योजना आती है वो भी प्रदान की जाती है। और नंबर दस के ऊपर है दोस्तों, किसी भी प्रदत्त अधिकार से वंचित किए जाने पर शिकायत करने और उसके निवारण के लिए चीफ कमिश्नर ऑफ डिसेबिलिटीज के पास जाने और आवेदन का भी आपको अधिकार है। दोस्तों, आगे है ये जो विकलांग प्रमाण पत्र है इसको बनवाने के लिए कौन कौन से दस्तावेज आपके पास होने चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, नंबर एक, पासपोर्ट साइज़ की आपके पास फ़ोटो होनी चाहिए। नंबर दो, वोटर आईडी कार्ड या आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। नंबर तीन, राशन कार्ड होना चाहिए। नंबर चार, विकलांग अंग की फ़ोटो, जो भी अंग आपका विकलांग है उसकी फ़ोटो होनी चाहिए। और नंबर पाँच, भरा हुआ विकलांग पत्र फार्म, जो कि विकलांग पेंशन योजना या विकलांग प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो फार्म दिया जाता है वो फार्म आपके पास भरा हुआ होना चाहिए। दोस्तों, ये विकलांग प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं। दोस्तों, यदि आप विकलांग सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको कुछ ये स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करना पड़ेगा। नंबर एक, सबसे पहले विकलांग सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको आवेदन फार्म की आवश्यकता होगी। आवेदन फार्म आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर दो, इस आवेदन फार्म का आप प्रिंट आउट निकाल कर आप सही से इसमें जो भी जानकारी पूछी गई है वो सारी जानकारी आपने भरनी है। नंबर तीन, आवेदन फार्म के साथ सारे आवश्यक दस्तावेज लगाने होंगे, जो मैंने आपको पहले बताए थे वो सारे दस्तावेज आवेदन फार्म के साथ आपको लगाने होंगे। नंबर चार, इसके बाद इस फार्म को अपने समाज कल्याण विभाग में जाकर संबंधित अधिकारी के पास जमा करवा लेना, यानी जो भी आपका नज़दीकी समाज कल्याण विभाग है वहाँ जाकर जो भी इस काम को देख रहा है उस अधिकारी के पास जमा करवा देना। नंबर पाँच,
अब आपके द्वारा दिए गए फॉर्म का जांच होगा और आपकी मेडिकल जांच की जाएगी। नंबर 6, यदि अधिकारी के पास टाइम होगा तो उसी दिन मेडिकल जांच करवा दिया जाएगा, नहीं तो आपको टाइम भी बता दिया जाएगा कि आप उस दिन आना और आपका मेडिकल जांच होगा। यदि आपके द्वारा दिए गए सभी दस्तावेज सही पाए गए और आपकी मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार भी आपने विकलांग पाए जाते हैं तो आपका ये विकलांग सर्टिफिकेट या तो आपको तुरंत दे दिया जाएगा या आपको 5 से 7 दिन का टाइम दिया जाएगा, उसके अंदर आपको विकलांग सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप विकलांग प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर दोस्तों ऐसा सही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। साथ के साथ ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ऑन कर लें ताकि आप देख सकें हमारे द्वारा अपलोड की गई हर एक वीडियो का अपडेट सबसे